हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू बाय शिखा अब्रोल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थॉट ऑफ द डे इज बी द बेस्ट फॉर योरसेल्फ। इट्स बेटर टू अचीव सक्सेस rather than showing. So today we are going to start a new chapter, that is chapter number 3, classification of elements and periodicity in periodic properties from class 11th. So सबसे पहले हम बात करेंगे आज की periodic table की history, periodic table बना कैसे, जो आज आप periodic table देखते हो जिसमें इतने सारे blocks और इतने सारे elements arranged हैं, उनको अरेंज करने में किस किस ने हेल्प की हमारी और हमें एक बहुत ही अच्छा यूटिलाइज्ड वे दिया टू रिमेम्बर एलिमेंट्स। सो सबसे पहले पर्सन आया था डॉबरनियर। डॉबरनियर ने हमें डॉबरनियर ट्रेड्स दी थी। उन ट्रेड्स के अकॉर्डिंग उसने हमें बताया था कि एक ट्रेड में तीन एलिमेंट होते हैं और उसने हमें तीन ट्रेड्स की एग्जाम्पल दी थी। सबसे पहले उसने हमें ये बताया था कि इन ट्रेड्स को उसने अरेंज किया इन द एटॉमिक मास और उसने कहा कि एवरेज मास ऑफ थ्री एलिमेंट्स। अगर आपको फाइंड करना है तो आपको दो एलिमेंट का मास पता होता है और थर्ड एलिमेंट का आप फाइंड कर सकते हो। तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ए और सी अगर आपको पता है तो आप बी का एटॉमिक मास निकाल सकते हो। और उस चीज को उसने यूज करके हमें बताया था फॉर्मूला एटॉमिक मास ऑफ बी इज इक्वल टू द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ए एंड सी। और एटॉमिक मास निकालने के लिए हमें मास ऑफ ए और मास ऑफ सी को प्लस करके टू के साथ डिवाइड करना है। उसकी फर्स्ट एग्जांपल थी, फर्स्ट ट्रेड थी लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम। लिथियम का मास है 6.9, पोटेशियम का मास है 39 और सोडियम का मास आएगा 6.9 प्लस 39 अपॉन 2 व्हिच विल बी 22.9 एंड इट विल बी योर 23। नेक्स्ट ट्रेड उसने हमें दी थी कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम और बेरियम की। यहाँ पे भी ये जो डॉबरनियर ट्रेड थी एप्लीकेबल थी। सेम थिंग इज वैलिड फॉर अ थर्ड ट्रेड जहां पे क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन को यूज किया उसने। और उसने बोला कि क्लोरीन और आयोडीन के मास को जब आप प्लस करके टू के साथ डिवाइड करते हो जो मास आएगा वो ब्रोमीन का होगा। तो कहने का मतलब फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का जो एवरेज एटॉमिक मास होगा दैट विल बी इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल और अ सेंटर एटम। अब इसकी लिमिटेशंस क्या थी? डॉबरनियर की लिमिटेशन ये थी कि वो सिर्फ 9 एलिमेंट्स को अरेंज कर पाया था तीन ट्रेड्स की फॉर्म में। उसके अलावा अदर एलिमेंट्स को वो अपने इस तरीके से अरेंज नहीं कर पाया था। तो ये था डॉबरनियर और इसने क्लासिफाई किया था एलिमेंट्स को ग्रुप्स के अकॉर्डिंग, तीन और तीन ट्रेड्स बनाई थी और उसके लिए उसने बताया था कि उनकी सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। और ये जो मॉडल ऑफ ट्रेड्स उसने दिया था ये 1780 से लेके 1849 के बीच में दिया था। और डॉबरनियर ने ऑर्गेनाइज किया था एलिमेंट्स को इन ग्रुप और पीरियड्स। और यहाँ पे मैंने आपको बताई है एग्जांपल थर्ड ट्रेड की जिसमें क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन है और कैसे ब्रोमीन का मास हम फाइंड कर सकते हैं बाय गेटिंग द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन एंड आयोडीन। और उसी तरह से उसने स्ट्रॉन्शियम के लिए बताया था। अब नेक्स्ट था हमारे पास आफ्टर डॉबरनियर फेलियर सेकेंड पर्सन जो आया दैट इज न्यूलैंड्स। उसने अपना लॉ दिया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव और उसने बोला कि हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट अरेंज करते हैं तो हर एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के साथ सिमिलर होती है, सिमिलर विद द म्यूजिकल नोट्स जो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो 9th और 10th क्लास में, दैट जो आप म्यूजिकल नोट्स पढ़ते हो सारे गामा पा, दैट इज आफ्टर एवरी एट्थ एलिमेंट प्रॉपर्टीज रिजेंबल्स। दिस इज द लॉ ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव नाम इसीलिए बोला गया था ऑक्टा फॉर एट वर्ड, तो इसीलिए एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी विल बी सिमिलर विद द फर्स्ट एलिमेंट। और उसका लॉ वैलिड था सिर्फ कैल्शियम तक, एटॉमिक नंबर 20 तक उसका लॉ ही एप्लीकेबल था। उसके बाद हायर एलिमेंट्स के लिए उसका ये लॉ वैलिड नहीं हुआ। आफ्टर न्यूलैंड्स लिमिटेशन मेंडलीव केम। डिमिट्री मेंडलीव इज नोन एज द फादर ऑफ अ पीरियोडिक टेबल। डिमिट्री मेंडलीव एंड लॉथर मेयर बोथ वर्क्ड इंडिपेंडेंटली बट वर्क ऑन अ सेम थिंग डिपेंडिंग अपॉन द एटॉमिक वेट्स। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एट अ रेगुलर इंटरवल। एक फिक्स इंटरवल के बाद उन्होंने देखा कि सेम तरह की प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं और एलिमेंट्स को उन्होंने अरेंज किया था ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट्स।
लॉथर मेयर ने क्या काम किया था? लॉथर मेयर ने एक प्लॉट बनाया था अटोमिक वॉल्यूम और अटोमिक वेट का, और उसने वहां से देखा था कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जब हम अरेंज करते हैं अटोमिक वेट के अकॉर्डिंग तो वो वेरी करता है कि अगर अटोमिक वेट ज्यादा है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो उस तरह से मेंडलीव ने फिर आफ्टर कोलेबोरेशन विद लॉथर मेयर अरेंज किया था एलिमेंट्स को इन पीरियड्स एंड ग्रुप्स। सो उसने बताया इफ ऑल द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट अ पीरियोडिक रेपिटेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज इज ऑब्टेन्ड, दिस इज एक्सप्रेस्ड बाय द लॉ ऑफ पीरियोडिसिटी। और यही थी पीरियोडिसिटी जो डिमिट्री मेंडलीव ने हमें बताई थी। बट यहाँ पे मेंडलीव की एक लिमिटेशन थी, वो लिमिटेशन ये थी कि मेंडलीव ने हमें बताया कि हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग, बट कुछ एलिमेंट्स अगर आप देखो पीरियोडिक टेबल में, फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम एंड आर्गन, आपको पता है पोटेशियम का मास 39 रहता है और आर्गन का 39.9। बट मेंडलीव ने क्या किया, आर्गन को पहले प्लेस कर दिया इन ग्रुप नंबर 18 और पोटेशियम को आगे ग्रुप 1 में प्लेस कर दिया। अगर आप ध्यान से देखो पीरियोडिक टेबल तो आर्गन आपका आता है पीरियड नंबर 3 में और पोटेशियम आता है पीरियड नंबर 4 में, बट अकॉर्डिंग टू अटोमिक मास पोटेशियम पहले आना चाहिए और आर्गन बाद में आना चाहिए। और मेंडलीव ने आर्गन को पहले इसलिए प्लेस किया क्योंकि उसने देखा इसकी प्रॉपर्टीज उस ग्रुप के साथ सिमिलर है। तो जहां पे वो बोल रहा था कि मैंने सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया एटॉमिक मास या वेट्स के अकॉर्डिंग, वहां पे उसकी ये थ्योरी यहाँ पे फेल हो जाती है और यही उसकी लिमिटेशन है मेंडलीव की। सो दैट हम नेक्स्ट लॉ पे मूव करें आफ्टर मेंडलीव, दैट इज योर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जिसको हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। तो लिमिटेशन यही थी मेंडलीव की और उसकी लिमिटेशन को मॉडिफाई करके हमने एलिमेंट्स को जो अरेंज किया इन स्पाइट ऑफ एटॉमिक मासेस, हमने उनको अरेंज किया बाय द एटॉमिक नंबर। दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ मेंडलीव्स और देयरफॉर दिस लॉ इज डिफाइंड एज द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। और यही डिफरेंस है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और मेंडलीव में। सो दिस पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड अपॉन द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जिसमें हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं ऑन देयर एटॉमिक नंबर्स। अब इस पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग हमारे पास ब्लॉक्स हैं चार, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का डाटा है, दैट इज एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी कवर करेंगे कैसे ये ब्लॉक्स की फॉर्मेशन की गई, कैसे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया और कैसे हमें इनको याद रखना है कि कौन सा एलिमेंट किस ब्लॉक में आ रहा है। सो आई थिंक you understand this lecture. If you like the lecture, write in comment section. If you have any type of doubts, write in comment section. Keep watching, like my channel, subscribe my channel, share it with your friends. Thank you. See you in the next lecture.